अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? तो आप सब खैर और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज ना मैं अपना वादा वफा कर रही हूँ, और आज जो है मैं जा रही हूँ, अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं लोबान लेने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बोला था कि होली का जो प्रोग्राम वगैरह होगा, तो वो सब जो है इंशाल्लाह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो है काफ़ी दफ़ा मेरे साथ है ना ऐसा हो नहीं पाता है, जो मतलब जो मैं बोलती हूँ ना वो तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ कभी। तो खैर ऐसा नहीं है, और आज जो है पहली बार मैंने जो है आपसे बोला है, और वही मैं कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। अभी हम लोग जो है ना नाइट का टाइम हो रहा है, और अभी हम लोग जो है लोबा लेने जा रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए कितनी सारी जो है अभी रोड पर पब्लिक है, और यहाँ पर ना मम्मी से मैं कहती जा रही थी बार बार रोड पर कि इस बार है ना पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं है, इस बार है ना इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं है। खैर ये तो सब मुझे वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ने वाला है। और है ना इस बार जो है ज़्यादा दुकानें वगैरह भी नहीं आई है। खैर उस बार जो है बहुत ही ज़्यादा दुकानें थी, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं है। खैर ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सी यहाँ पर दुकानें थी, वो और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी लग रही थी। और इस वक्त ना पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे जो है रोड पे आसपास सब दूर पब्लिक थी। खैर जो है हम लोग उधर से आ रहे थे, तो हम लोग जैसे निकले तो वहाँ से सामने पूरा रास्ता जो है मुझे खाली नज़र आ रहा था। उसी के लिए मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा कि शायद है ना इस बार पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं है यार मम्मी। तो मम्मी ने मुझसे केवल ठीक बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे पब्लिक है। अच्छा यहाँ पर देखिए होटल वालों का खाना बन रहा है पीछे, और क्योंकि जो है अभी पब्लिक वगैरह सब अभी राइट नाइट के टाइम है यहाँ पर। बाहर से कुछ लोग अभी के दिन ही आए हैं, कुछ लोग एक दो दिन पहले से ही आ जाते हैं यहाँ पर, तो उसी के लिए और अभी इसीलिए ये लोग जो है खाना वगैरह इन लोगों को बनाने पड़ेगा। होटल जो है अभी इनकी रात में भी चल रही है, वरना इस टाइम तक तो जो है ये होटल है ना बंद कर देते हैं। अच्छा तो फिर फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो है लोबान होने वाला है। तो ये जो है बीवी शहजादी ज़ैनब के रोज़े की पीछे वाली जगह है। यहाँ का जो पूरा ग्राउंड है ना पीछे का, वो पूरा खाली रहता है, वहाँ पर ही जो है लोबान वगैरह होगा। तो ये जो है 5-6 दिन पहले से तैयारी शुरू हो गई थी, और वहाँ पर है ना बल्ली वगैरह सब लग गई थी अच्छी तरीके से। अच्छा तो यहाँ पर है ना मम्मी मेरे पीछे बैठे हुए थे जस्ट, और मैं देख रही थी कि देखो वो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आकर जो है फिर हम तीनों यहाँ पर बैठ गए, और यहाँ से सामने देख रहे हैं तो हम लोग जो है लोबान आने का भी वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और देखिए पब्लिक सारी जो है कितनी सारी आ रही है। फिर यहाँ पर है ना मम्मी ने मुझसे बोला कि देखा टप्पा पब्लिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर हंसी आ रही थी कि हाँ सही है, मुझे ना गलत लगा था थोड़ा वहाँ से। अच्छा मुझे वहाँ पे ना देखने में ऐसा लगा था। खैर और इसीलिए मम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला था, और मम्मी ने बोला था कि हाँ सही है। अच्छा तो देखिए अभी फिर है ना लोबानदानी यहाँ पर फाइनली आ चुकी है, सब लोगों को अभी लोबान लेंगे। और एक लोबानदानी नहीं है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लगभग 7 से 8 लोबानदानी थी यहाँ पर। और क्योंकि अभी जो है सबको देना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए ज़्यादा लोबानदानी चाहिए ना थोड़ी बहुत। फिर ये देख सकते हैं सारी जो है लाइटिंग वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। और इस टाइम पर मैंने ना क्या किया था कि मैंने जो है वीडियो बना रही थी आराम से, और आगे जाते जाते मुझे याद आया कि मैंने वीडियो जो है ऑन ही नहीं किया था कैमरा अपना, तो वीडियो जो है बन ही नहीं रही थी। फिर मैंने जो है दोबारा से वापस से जो है कैमरा अपना चालू किया। और यहाँ पर देखिए पुलिस वाले सब जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाता है पब्लिक वगैरह का, या कि आपस में भी कभी हो सकता है ना झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं लोगों के। और इसीलिए जो है सारा वगैरह ध्यान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस वगैरह भी लगी हुई है। और देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा जो है एडजस्टमेंट इन्होंने लोगों ने किया हुआ है। हर बारी जो है ऐसे ही करते हैं, ये सारी जो है बल्लियाँ लगा देते हैं। और बल्ली है ना क्या होता है कि आसपास लगी होती है, और उस पर जो है बल्ली सारी बंधी हुई होती है, यानी कि ये ना बीच में जो है गलियाँ छुटी हुई होती है, तो उसमें जो है सारे लोग इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, जिससे कि ना आपस में जो है बिल्कुल भी टच भी नहीं होते हैं, और बिल्कुल जो है अलग अलग सी लाइनें बनी हुई होती है। और जब लोबानदानी आती है, तो वो लोबानदानी जो है बीच में से घूमती हुई सारी गलियों में से होते हुए सबको जो है लोबान यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाता है बिल्कुल। वरना तो फिर है ना पब्लिक को तो आप जानते ही, वरना इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा लूटा मार हो जाए, मतलब अगर सारी पब्लिक को एक साथ खड़ा कर दिया ना लाइन में, तो फिर वो हो ही नहीं पाता। इसी के लिए एडजस्टमेंट के लिए बल्ली वगैरह लगाते हैं, और ये सेटलमेंट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों को ये व्यू कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वहीं है ना सामने जो है देखिए चूल नज़र आ रही है, वहाँ पर जो है चूल जलती है। वैसे वो वाला चूल चहलुम के टाइम का व्लॉग भी मेरे चैनल में मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लोबान प्रारंभ हो चुका है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी न करें। लोबान प्रारंभ हो चुका है, अपने स्थान पर ही खड़े रहें। तो है ना अभी जो है ये माइक में बोल रहे थे, तो ये जो है सारी पब्लिक को समझा रहे थे, मतलब कि सब सुन ले और इधर उधर जो है भागा दौड़ी वगैरह नहीं करें। उनको जो है वो समझा रहे थे कि लोबान जो है आप लोगों को लाइन में मिलेगा, और वहाँ से आप लोगों को अलग बिल्कुल भी नहीं होना है। और वैसे तो वो समझा रहे थे, और इधर जो है पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, तो वो भी सारी पब्लिक को
भैया अच्छा, और इस वक्त ना मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी, हम लोग लोबान के लिए खड़े हुए, उधर से ना लोबान दानी लेकर आए वो लोबान देने वाले अंकल, तो है ना मेरा पूरा दुपट्टा जो है लोबान दानी के अंदर चला गया था। ये वहाँ पर ऐसा गिरता है हम इसका फैमिली में कोई हो रहा है यहाँ पे ना। हाँ लो सो 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 ये सब्जी की दुकान यहाँ फिट हो गई शायद है ना। और ये टेंट इन्हीं के लगाए लिए लगाए गए हैं ना। लेकिन फिर जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा दुपट्टा जो है बिल्कुल जला नहीं, मुझे लगा था कि और मेरा हाथ वाथ ना चेट जाए, लेकिन वो जो है लोबानदानी बिल्कुल मेरे से पास से निकल गई और मेरा दुपट्टा भी बिल्कुल भी नहीं जला। तो खैर ये अच्छा हुआ वरना मैं बहुत डर गई थी। ऐसे ऐसे हम नॉर्मल डेज भी जब हम लोग लोबान लेने के लिए आते हैं ना, तो उस वक्त भी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है लोबानदानी से डर लग रहा होता है, क्योंकि काफ़ी बार है ना मैंने ऐसा देखा है कि एक दो अंगारे लोगों के पैर वगैरह पे गिर जाते हैं, क्योंकि वो जो है एकदम से ऐसे आते हैं ना उस लोबानदानी के ऊपर, इस वजह से। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है दूर खड़ी होती हूँ बिल्कुल लोबानदानी वगैरह से। और खैर जो है हम लोग दूर से ही लोबान ले लेते हैं, थोड़ा सा आएगा तो भी आप लोगों को मिल ही जाएगा ना वैसे तो। पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ऐसी कर रही है, मतलब इधर से ले लिया और फिर जाकर दूसरी लाइन में भी लग कर वो ले लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को देख कर हंसी भी आती है। अच्छा यहाँ पर है ना हम लोग मौला अब्बास के रोज़े के अंदर आए हैं और रोज़ा जो है आज खुला हुआ है नाइट के टाइम, और सब लोग पब्लिक अंदर ही सो रही है। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे लाइट के पास और मैं कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत पे आ गई हूँ। वैसे वो बताते ना सीरियस वगैरह में वहाँ जन्नत वगैरह में सबके ना फेस ऐसे वाइट वाइट से बताते, तो अभी वहाँ पर रोशनी पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था। अच्छा ये क्या ये अच्छी है जो वीडियो बन रही होता है अच्छी चीज़ को अच्छी कहा जाता है। ये तो सही में अच्छी है, वो नीचे वाले वो कलरफुल वाले ब्लैक भी है, इस बार तो ब्लैक ही का ये पर कुछ बार भी था दिखा नहीं बदला होता अच्छा लगता है खेरिए ना। ये तो यहाँ की लोकल दुकान है, और हम भी यहाँ की लोकल पब्लिक है। अच्छा तो यहाँ पर ना क्या हम लोगों ने सारा सामान वगैरह देखा, और वो जो है ब्रेसलेट मेरे पास है वो तो वाइट कलर का मम्मी ने मुझे दिलाया था, और वो जो है मुझे काफ़ी सारे कलर्स में दिलाना चाह रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ना पड़ता है फिर मम्मी के, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा होता है वैसे उमदा काम है हमारे साथ कि मम्मी मेरे पीछे पड़ रहे होते हैं कि ये ले ले, पर मैं नहीं लेती हूँ। अच्छा तो फिर देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मौला हुसैन के रोज़े के यहाँ, और यहाँ आकर हम लोग जो है बैठ चुके हैं। वैसे मेले में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा अच्छा सामान था सारा, वो बैग वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और वो जो बैग है ना वो पिछले टाइम जब मेला लगा था तो उस टाइम पर भी थे, अभी जो झेलम का मेला लगा था उस टाइम भी थे वो सारे। तो मैं बाजी से कह रही थी कि मेरा अभी तक शायद ये बिके नहीं है, तो बाजी कह रहे थे ऐसा नहीं है अलग स्टॉक आ गया होगा इनके पास, तो वो सारे हम लोगों ने देखे और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वैसे। अच्छा तो फिर मौला अब्बास के रोज़े के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और अभी देखिए मौला हुसैन के रोज़े के अंदर भी कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। तो ये सारी पब्लिक है ना अभी अंदर ही सो रही है यहाँ पर ये जो है, और मैं बाजी से कह रही थी कि ये सब लोग अभी तक सो रहे हैं, तो अभी फिर लोबान लेने नहीं गए क्या है, तो बाजी कह रहे थे कि शायद ये लोबान लेके आकर और वापस से यहाँ पर सो गए होंगे। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर सोई हुई है यार, मैं तो इनको देख के हैरान हो रही थी। और यहाँ से देखिए बाहर भी देखिए कितनी ज़्यादा जो है पब्लिक यहाँ पर भी सो रही है, कुछ बाहर सो रहे हैं कुछ अंदर सो रहे हैं, और कुछ वो सामने वाला जो मैदान नज़र आ रहा है यहाँ से ये वाला रास्ता है बीच वाला, उस मैदान में भी कितनी ज़्यादा पब्लिक सो रही थी यहाँ पर कि मैंने आप लोगों को बताया तो है। कुछ लोग तो बेचारे अभी भी चाय बनाकर पी रहे थे और कुछ लोग सो रहे थे वहाँ पर।
अच्छा तो फिर, और यहाँ देखिए ये मेरे फ्रेंड का भाई है, एक मेरी फ्रेंड है, और देखिए बहुत ज़्यादा शैतान है, कितनी ज़्यादा शैतानी करता है। चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। और ये देखिए सारे जो है अभी फूल यहीं पर पेश कर दिए लोगों ने, क्योंकि रोज़ा अभी बंद है ना इसके लिए।